ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा, हमारी चेतना का विस्तार, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी, शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे।